मैं अपनी गुड़िया रानी के सर में तेल डाल दूं? सारी दुनिया के पेरेंट्स अपने बच्चों की हेल्प करते हैं कि वो बाहर जाके सेटल हो सकें, और हमारे यहाँ मोहब्बत का मतलब है सर में तेल डाल दो। चलो अब्बा के पास इतने पैसे? अब्बा आपने घर क्यों बेच दिया? जहाँ रिश्ते कमजोर हो जाएं, वहां घर टूट जाते हैं। ऐसे टूटे हुए घर का मुझे क्या करना है? आप जरा रिश्तों को मजबूत कीजिए। घर की दीवारों और छतों को तो हम मजबूत बना ही देंगे, मॉडल स्टील। आओ एक मजबूत घर बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शाहिद मियाँ। प्रोग्राम ख्वाबों से तबीर तक के इस सफ़र में मेड इन पाकिस्तान एंड बिलीव इन पाकिस्तान के कॉन्सेप्ट के साथ पावर्ड बाय मॉडल स्टील ग्रुप ऑफ कंपनीज। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी रवायात में है कि हम हमेशा ही आपको पाकिस्तान के उन स्टार से मिलाते हैं, पाकिस्तान के उन पर्सनैलिटी से मिलवाते हैं जिन्होंने ना सिर्फ अपनी फील्ड में बहुत ज़्यादा आला मुकाम बनाया होता है बल्कि अपनी कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा उनका कंट्रीब्यूशन होता है किसी ना किसी हवाले से। हमेशा की तरह आज भी मेरे साथ जो पर्सनैलिटी मौजूद है, जो कि हमारी गेस्ट है मॉडल स्टील ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की, वो पर्सनैलिटी का अगर मैं तारीफ कराऊं तो उसके क्रेडिट में बहुत सारी खिदमात है। वो अगर हम फूड इंडस्ट्री की बात करें तो मैं पाकिस्तान की फूड इंडस्ट्री का इस टाइम अगर मैं गुरु कहूँगा किसी को तो वो उसमें से एक नेम होगा। बहुत सारी खिदमात है पाकिस्तान के फूड के हवाले से, फूड इंडस्ट्री के हवाले से, फूड चेन के हवाले से। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे बहुत अच्छे मेरे दोस्त भी हैं इमरान मकसूद साहब, जो कि यम ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के चेयरमैन हैं। और इनके यम ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के चेयरमैन होने के साथ साथ मैं ये बताऊँ कि इनके काफ़ी ज़्यादा फूड चेन्स हैं जिनमें से आपने सुना भी होगा यम ग्रुप के अलावा स्पाइस बाज़ार, इंग्लिश टी हाउस और इस चाशनी ब्रांड एक स्वीट्स ब्रांड है जो उसने आके टोटल मार्केट में एक नया रेवोल्यूशन ले आया और सब कुछ चेंज कर दिया। उसके अलावा अगर देखा जाए इनका अभी रिसेंटली ये फैशन इंडस्ट्री में भी इन हुए और एक इन्होंने हमेशा अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए इमरान साहब ने एक डिक्लेयर के नाम से ब्रांड लॉन्च किया है प्रेटवेयर का, जिसने ना सिर्फ लाहौर में तो कम से कम वो उसने बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं लाहौरियों को और फैशन लवर्स को एक नई आइडेंटिटी दी है। आगे चल के इमरान साहब के क्या प्लान है? और नाज़िर एक मैं इम्पोर्टेंट बात आपको और बताऊं, आज अल्हम्दुलिल्लाह एशियन लाइफस्टाइल और एशियन ट्रेड टीवी का ये सफ़र जो आज से बिफोर 4 ईयर स्टार्ट हुआ था और आज उसकी 100 एपिसोड होने जा रही है, जो कि मेरे लिए और इस अदारे के लिए बहुत खुशी की बात है। और ख़ुशी के इस मौके के ऊपर इमरान मकसूद आज मेरे साथ है, जो कि यम ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के चेयरमैन हैं। हम जानेंगे ख्वाबों से तबीर तक का ये सफ़र कि इमरान साहब का ये आइडियाज़ कहाँ से आया और इतनी सारी चीज़ें वो किस तरह से कर ली और अल्हम्दुलिल्लाह एक नया टेस्ट और एक नया ट्रेंड दिया उन्होंने पाकिस्तान के फूड लवर्स को। इसके ऊपर आज डिटेल में बात करेंगे। मैं चलता हूँ इमरान मकसूद साहब की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब। वालेकुम अस्सलाम शाहिद साहब, क्या हाल है? जी अल्लाह का बड़ा एहसान। वेलकम टू माय शो ख्वाबों से तबीर तक के सफ़र में आज हमारे स्टार है पावर्ड बाय मॉडल स्टील ग्रुप ऑफ कंपनीज। और हमारा बिलीव है हम हमेशा ही आप जैसी पर्सनैलिटीज़ को लेकर आते हैं जिन्होंने पाकिस्तान के ना सिर्फ सॉफ्ट इमेज के लिए बहुत कुछ किया होता है। इमरान साहब, आज की जो इंटरेस्टिंग बात ये है, जिस तरह मैंने बताया कि आज हमारी 100 एपिसोड होने जा रही है और आज आप हमारे गेस्ट हैं और मेरे लिए बहुत ज़्यादा ये एक ना एजाज़ की बात है। इमरान साहब, थोड़ा सा मैं पहले जानना चाहूँगा कि चूँकि ये मेरा फॉर्मेट है ख्वाबों से तबीरता का, पाकिस्तान के फूड इंडस्ट्री में इस वक्त आपका बहुत बड़ा नाम है, आपके ग्रुप का माशाल्लाह, आपके जितनी फूड चेन्स हैं, जितने आपके ब्रांड्स हैं माशाल्लाह, उनका टेस्ट देखें या उनकी ऑडियंस देखें, डिफरेंट चीज़ है वो। इमरान साहब, ये सारी चीज़ें कैसे होगी? सबसे पहले ये बताइएगा कि ये कोई ख्वाब था जिसको आप देखा करते थे? हालांकि मुझे पता चला है आपका इस फील्ड से कतन कोई तल्लक नहीं है, ना आप शेफ हैं, ना आपने कोई हॉस्पिटलिटी पढ़ी है, ना कुछ जानते समझते थे, ये सब कुछ कैसे हो गया? थोड़ा सा डिटेल से हमारे व्यूअर्स को बताइएगा प्लीज़। शाहिद साहब, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग और ऑनर्ड के आपके 100th एपिसोड, जो आपका 100वां एपिसोड है इस प्रोग्राम का, उसमें आपने मुझे चूज़ किया फॉर दिस इंटरव्यू। प्लेयर हाँ सर,
ख्वाबों से ताबीर तक मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। मैं आपका देखता रहता हूँ हमेशा से, आपका ये जो प्रोग्राम है और आपके इंटरव्यूज़, तो आपकी जो लाइन है ना ख्वाबों से ताबीर तक, वो मुझे बड़ी अच्छी लगती है। उसकी रीज़न ये है कि somehow एक इंग्लिश का लाइन है, टर्निंग आइडियाज इनटू रियलिटी। आई वाज इंस्पायर्ड विद दैट और इट इज़ ऑन रिकॉर्ड कि जब मैंने कंपनी बनाई इस फूड बिजनेस को शुरू करने के लिए, तो उसका मोटो भी हमारा यही था, टर्निंग आइडियाज इनटू रियलिटी। somehow उर्दू में करें तो ख्वाबों से ताबीर तक। तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्लाह ताला ने हमारे ख्वाबों को ताबीर बख्शी और हम यहाँ तक आए। हम तो कुछ भी नहीं है, हम तो जी दूसरा सांस भी नहीं ले सकते, नो डाउट, बेशक उसकी ख्वाहिश ना हो। हम तो आई बिलीव स्ट्रांगली कि हम तो एक्ट करते हैं, डोरियाँ तो ऊपर से निकलती हैं। खैर, ख्वाब देखने चाहिए, ख्वाब देखेंगे तो ताबीर मिलेगी। ख्वाब सिर्फ सोते में नहीं, ख्वाब जागते में भी देखने चाहिए। और ये जो माशाल्लाह हमारे ब्रांड है, ये जागते ख्वाबों की ताबीर है, सोते ख्वाबों की। तो शुरुआत कैसे हुई, शुरुआत कैसे हुई? अच्छा, ये एक चीज़ है कि हम बचपन से ही, मैं और मेरे जो दोस्त हैं, हमारे जो ग्रुप है, माशाल्लाह आई हैव बड़े लविंग फ्रेंड्स जो कि हम बचपन से साथ हैं। हम लोग फूड लवर्स थे, हम बहुत खाते थे, हम बहुत बाहर जाना, हमने तकरीबन एवरी नाइट वी यूज टू ईट आउटसाइड। फिर हमने सोचा यार हम बाहर खाते हैं तो चले कुछ अपना स्टार्ट करते हैं, हम सब भी खाएंगे, लोग भी खाएंगे, हम मिलके खाएंगे। तो वहाँ से एक आइडिया स्टार्ट हुआ। फिर आई यूज़ टू ट्रैवल अब्रॉड, मैं बाहर जब जाता था तो मैं देखता था कि पाकिस्तान में हमारे पास उस लेवल की चीज़ें नहीं हैं, वो खाने का टेस्ट नहीं है, वो खाने का मयार नहीं है। हम लोग चंद एक अपनी रिवायती डिशों के अलावा बाकी चीज़ों में हम लोग बहुत पीछे थे। अच्छा, स्टार्टिंग फ्रॉम चाइनीज़, जो मेरा के यम चाइनीज़ एंड थाई हमारा पहला ब्रांड था और एंट्री, दैट वाज माय एंट्री पॉइंट इनटू द फूड बिजनेस। चाइनीज़ मुझे बहुत पसंद था, उससे पहले जब आप पाकिस्तान में हम खाते थे। अच्छा, बाय द वे, यम आई ओपनड इट इन ऑगस्ट 2010। आप बैक अगर उससे पीछे जाकर देखें तो उस वक्त जो हमारे इधर चाइनीज़ अवेलेबल था, मैं नाम तो नहीं लूँगा, चंद एक लोग थे जो चाइनीज़ भी थे और वो अपने रेस्टोरेंट ऑपरेट करते थे, उनका खाना somehow अच्छा था, लोगों को पसंद भी था, लेकिन मुझे कहीं उसमें कमी फील होती थी। मुझे ना लगता था कि हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक मीट नहीं कर पाए। ओके, अच्छा, फिर उस पर आई स्टार्टेड थिंकिंग, दोस्तों से मशवरा किया। 2010 एक बहुत डिप्रेशन वाला साल था, 2008 में एक बहुत बड़ा दुनिया में क्रंच आ गया था। तो सब कहें कि यार ये इट्स अ वेरी बैड टाइम टू ट्राई न्यू थिंग्स, बट स्टिल आई लव टू टेक रिस्क, तो मुझे अच्छा लगता है रिस्क लेना। तो वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट और मैं, एक मेरी ख्वाहिश थी कि अगर हम फूड बिजनेस में आए तो हमारा, हमारी पहचान थोड़ी सी हट के हो, ठीक, ओके, क्वालिटी वाली एक यूनिक चीज़ हम दें, सरा हट के हर चीज़। वो हम जब देखें ना कि भेड़ चाल वाली चीज़ ना दें कि हर कोई ये दे रहा तो हम भी वो दें, तो वो आई डेंट लाइक इट। मैं वो उस टाइप का बंदा ही नहीं हूँ कि मतलब इस तरह हो जाए। जब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे, इनोवेशन नहीं करेंगे, तो आप आगे जा ही नहीं सकते, पॉसिबिलिटी आप वहीं एक कुएं के मेंढक बन के रह जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई टू का रिस्क और मैंने उस टाइम अपने शेफ्स के साथ बैठकर प्लान किया कि हम खाने को वो देंगे जो कि इंटरनेशनल मार्केट में चलता है, जो एक स्टैंडर्ड है, नॉट हम यही पाकिस्तानी और टेस्ट भी वही होगा, चाइनीज़ जो है ना वो देना शुरू कर दिया, टेस्ट भी वही होगा, इंग्रेडिएंट्स भी होंगे। ऑब्वियसली उस टेस्ट को देने के लिए, उस लेवल को अचीव करने के लिए हमें इंग्रेडिएंट्स बाहर से चाहिए थे।
वी ऑप्टेड फॉर दैट. हमने बाहर से इम्पोर्ट किया सब कुछ, हमने स्टार्ट किया, हमने उस पर रिसर्च एंड वर्किंग की. 6 महीने तो हम उसके टेस्ट पर वर्किंग करते रहे और फिर फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह यम लॉन्च किया 2 अगस्त 2010 में, रमज़ान से को 8-10 दिन पहले, दिनों रमज़ान अगस्त में आता था. लोगों ने बहुत पसंद किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं रिकॉर्ड कहता हूँ कि जो आज हम चाइनीज दे रहे हैं ये इससे पहले ऐसा नहीं था. हमारे आने के बाद वो चाइनीज का कंसेप्ट खाने का बदल गया. वो कैसे मिलन सर? इससे पहले जो खाने आते थे वो लाइक पाकिस्तानी स्टाइल के चाइनीज में ना, वो देसी चाइनीज था पहले, वो लंबे शोरमा टाइप की ग्रेवियां होती थी देसी चाइनीज, देसी चाइनीज वो सिजलिंग में आते थे और वो खाना इस शोरबा इस कहीं जो है ना वो चाइनीज में नहीं चलता. इट्स अ सॉसी फूड जो ग्लेज होता है, तो बेसिकली सॉसेस के फ्लेवर में वो कुक होता है, बजाय इसके कि पाकिस्तानी स्टाइल नहीं है कि हम आलू गोश्त का शोरबा उसमें खा रहे हैं. तो वी चेंज इट. अब आप इसलिए कई हमारी आने जो हमारी नई नस्ल है इसको तो पता भी नहीं होगा पुराना जो हम चाइनीज़ यहाँ पे मिलता था कितने, मतलब इतना सा लाइक फॉर एग्जांपल चिकन की डिश की बात करें, इतना से बीच में चिकन चंक्स होते थे और इतना उसमें शोरबा होता था और साथ में सिजलिंग में आती थी, उससे कपड़े भी ख़राब और वो पता नहीं हुई अपना बारह लोग पसंद करते थे. मैं ये नहीं कहूँगा वो लोगों की पसंद है, बट हमने उसको चेंज किया. अब आके मार्केट में आप देखेंगे कि जो ट्रेंड उस टाइम दिया यम ने, आज वही ट्रेंड चल रहा है. आप हर अच्छा चाइनीज हर अच्छी वो हमें फॉलो करते हैं. यम इज़ द पायनियर और यम इज़ एन इंस्टीट्यूशन जिसको फॉलो करके लोग इस फूड बिजनेस में आते हैं. यम के मॉडल को फॉलो किया जाता है. कई लोगों ने तो यहाँ तक किया कि जो हमारा कंसेप्ट है जो हमने पहली ब्रांच थी यम और उसके पीछे इंग्लिश टी हाउस था, तो सेम मॉडल को भी कॉपी करने की कोशिश की, बट वो somehow नहीं चल पाए. आई डोंट नो द रीजंस, वो अब नहीं है. बट बड़े लोगों ने उसके बाद चेंजेस किए अपने खानों में भी और आज भी जो फूड दिया जा रहा है वो वही है जो यम ने इंट्रोड्यूस कराया था और उसको कॉपी किया गया. उसी में लोगों ने उस ट्रेंड को पकड़ा, उसी को थोड़ा सा चेंज करके लोगों ने इसको मार्केट में. यस ऑब्वियसली, मतलब सब लोग अच्छे हैं, सब सब अपना टेस्ट है सबका, बिल्कुल बिल्कुल कोशिश करते हैं अच्छे से अच्छा देने की, इनोवेशन की भी कोशिश करते हैं. कई लोग हैं वो बहुत हार्ड वर्क करते हैं, बाहर से भी रेसिपीज ले आते हैं, शेफ्स आ जाते हैं, सब कुछ है. बट कहने की बात यह है कि जो यम ने ट्रेंड्स, यम इज द ट्रेंड सेट, ट्रेंड सेट ये कह सकते हैं आप, यम ने ट्रेंड सेट किया आज भी वही प्रिवेल कर रहा है. माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र, ये बहुत अच्छी बात है जी. व्यूअर्स, जैसा कि आपको बताया इमरान मकसूद साहब जो कि चेयरमैन है यम ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के, हमारे साथ आज इस सफ़र में शरीक है. इस टाइम हम लेंगे एक स्मार्ट सा ब्रेक, मिलते हैं आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक. देखिए, आप जब लोगों से पैसे ले रहे हैं तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप उनके साथ उनको चीट करें. तो समहाउ हम क्वालिटी पे तो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, तो हमारी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन. माशाल्लाह ये बहुत अच्छी बात है. Exactly. जी वेलकम बैक नाज़रीन, ख्वाबों से तबीर तक के सफ़र में आज इमरान मकसूद साहब हमारे साथ हैं. इमरान साहब माशाल्लाह यम जो ग्रुप ऑफ कंपनीज वो तो हो गया और पहला ब्रांड भी लॉन्च हो गया, ट्रेंड सेटर भी हो गया माशाल्लाह. उस चीज़ को मेंटेन रखना बहुत मुश्किल बात है, किसी चीज़ को करने के बाद. फिर आपके ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए है कि आपके और भी ब्रांड्स हैं, फेमस ब्रांड माशाल्लाह इंग्लिश टी हाउस और स्पाइस बाज़ार, चाशनी तो आकर टोटली पर्सनली मेरी फैमिली में कम अज़ कम जो एक ऐसी रवायत बन गई है कि चाशनी को रिप्लेस अभी तक कोई नहीं कर सका शायद. हमारी पहचान है जी, पहचान है शायद ये कह सकते हैं एक नई, वो चूँकि उसका टेस्ट कुछ ऐसा है उसमें. तो सर ये वही वाली बात ख्वाब के ऊपर आ जाती है, ये जिम्मेदारी भी आप पर ज़्यादा आ जाती है. तो इसको मेंटेन करने के लिए आप किस तरह से देख रहे हैं सारी चीज़ों को, क्वालिटी और टेस्ट को? क्वालिटी और टेस्ट देखें जी, मेरी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस थी. अपार्ट फ्रॉम जब मैं इस बिज़नेस में बिल्कुल नया आया, तो अगर आप हमारे शेफ्स और हमारे जो क्वालिटी के लोग हैं जो हमारे मैनेजर्स हैं इवन, आप उनसे बात करेंगे तो पहले दिन ओपनिंग से पहले मैंने बड़ी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दी थी कि हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे किसी सूरत में क्वालिटी पर.
अगर कोई चीज़ स्लाइटली ओवर कुक भी है, इवन ये तो मैं क्वालिटी की आप बात कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ कि जी अगर कुक भी थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, आप देख रहे हैं कुछ है, तो वो कस्टमर की टेबल पर नहीं जाए। नहीं जाए। तो जो हमारे वेंडर्स भी थे, अब हम उनसे जो सामान ले रहे हैं, तो बड़ी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दी गई, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस थी कि स्ट्रेट अवे रिजेक्ट जो कि आपको सब स्टैंडर्ड चीज़ लगती है। उसके अलावा काफ़ी चीज़ें तो हमारी इंपोर्टेड है, वो तो उसमें तो आउट ऑफ क्वेश्चन है कि वो कैसे कंट्रोल हम उसको मतलब ऑब्वियसली वो तो एक वो तो बिल्कुल स्टैंडर्ड है। जो लोकल हैं जिसमें आप फॉर एग्जांपल आप फ्रेश सप्लाईज में आप चिकन ले सकते हैं, वेजिटेबल्स ले सकते हैं, पैरिशेबल जितनी आपकी आइटम्स यूज होती हैं हमारी डेली के डेली आती हैं, और वी हैव अ स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट। गुड। सबसे पहले वहाँ से चीज़ अप्रूव होगी और वो इंडिपेंडेंट है। सबसे पहले वहाँ से अप्रूव होगी, उसके बाद वो शेफ्स के पास जाएगी, अप्रूव होगी तो वी हैव चैनल्स के क्वालिटी इंस्पेक्शन और वो सारा कुछ रखेंगे। एक भी किसी जगह पर अगर थोड़ा सा भी होता है तो वी स्ट्रेट अवे डिस्कार्डेड। और उसके अलावा इवन वाइल कुकिंग अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाता है तो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है, वी बियर द लॉस, हम उसको वेस्टेज में हमने अपनी डाली हुई है, हमने देखें हमारे शेफ्स भी इंसान है ना, ऊपर नीचे हो जाती है, तो हम 100 में से 2% तक वेरिएशन हमने डाली हुई है कि हमारी वेस्टेज में चला जाएगा क्योंकि वो ठीक नहीं बना या कुछ हुआ। तो क्वालिटी मेंटेनेंस पे तो पहले दिन से हमारा कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हम वी प्राउडली से कि हम क्वालिटी को उसी तरह मेंटेन कर रहे हैं जैसे पहले दिन की। पहले दिन थे। तो इट्स अ टीम वर्क, और फिर सबसे पहले इट्स ये चीज़ होती है कि जो उस इदारे को चला रहा है जो बंदा, उसकी अब विजन क्या है। अगर आप क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर देंगे तो फौरी तो नहीं लेकिन ओवर द टाइम डेफिनेटली स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा क्लाइंटेल, आपकी क्लाइंटेल भी लूज होगी, आपका नाम भी खराब होगा। तो फिर इट्स नॉट अ वन डे जॉब के जी आप नाम बनाना बहुत मुश्किल है, बिगाड़ना बहुत आसान है। तो ओवर द टाइम फिर वो आप इतने कंपटीशन में आप पीछे जाते जाएंगे और आप लॉस कर बैठेंगे अपने नाम का भी, अपनी इज्जत का भी। और फिर देखें आप जब लोगों से पैसे ले रहे हैं तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप उनके साथ उनको चीट करें। तो समहाउ हम क्वालिटी पे तो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, तो हमारी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन माशाल्लाह ये बहुत अच्छी बात है। एग्जैक्टली। और इसी पर मैं बात करूँगा, आप चाशनी की आपने बात की, तो क्वालिटी वाइज हमारी जो फैक्ट्री है उसमें आप जाकर देखें, आई वुड लव यू टू विजिट इट। तो उसमें हमने प्रॉपर लैब सेट की हुई है जो कि बहुत रेयर है पाकिस्तान में। ईच एवरीथिंग इज टेस्टेड इन द लैब, इट्स साइंटिफिकली वी आर डूइंग इट। और ज़रा सी भी किसी चीज़ में वेरिएशन होती है तो वी डिस्कार्ड इट। गुड। मेरा साहब चाशनी की इंस्पिरेशन कहाँ से ही, क्योंकि उसने मैंने जैसे पहले बताया ना आपको उसका टेस्ट ही डिफरेंट है जी, उसकी इंस्पिरेशन कहाँ से आपके पास थी? अच्छा चाशनी पे भी बात करें तो अगेन जैसे जब यम लॉन्च किया तो मुझे जिस तरह लगता था कि गैप है हमारे टेस्ट में, खाने में, जो हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट नहीं कर रहे, इसी तरह जब चाशनी लॉन्च किया तो तब भी गैप मुझे नज़र आया कि पाकिस्तान की जो हमारी पहचान है, देखें पाकिस्तान से जब बाहर जाते हैं तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है, आप मिठाई लेके, मिठाई लेके जाएं, आप अपने किसी दोस्त को मिलने जा रहे हैं, रिश्तेदार से पहली फरमाइश यही होती है, पहली फरमाइश होती है कि जी खुशी के मौके पर भी है या मिठाई। तो अगेन हम पाकिस्तानी भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमने पाकिस्तान में मतलब हमारी पहचान ही पाकिस्तान है। तो जब हमने दुनिया में जाना है और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है तो ऑब्वियसली वी वांट द बेस्ट फॉर, हम किसी सूरत ऐसी चीज़ को नहीं बाहर भेजना चाहेंगे जो दुनिया को के हमारा इमेज डाउन हो। बीइंग अ नेशन हम लोगों की ड्यूटी भी है कि हम अपने मुल्क को ऐसे रिप्रेजेंट करें कि जो आजकल के हालात चल रहे हैं हमारी ज़रूरत भी है और हमारी एक ऑब्लिगेटरी ड्यूटी है कि हम अच्छी से अच्छी चीज़ को और अच्छे तासुर को दुनिया में लेके जाएं। तो वही वाली बात, सॉफ्ट इमेज को, सॉफ्ट इमेज को दें, और ये आजकल हमारी बहुत ज़रूरत है जी। चाशनी भी जो है
वी यूज द बेस्ट इंग्रेडिएंट. फूड इंडस्ट्री में आप एक चीज को बड़े एक आराम से एक चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए ना एक दो हरफी बात में करूंगा, व्हाट गोज इन कम्स आउट. जो आप डालेंगे वही बात वही आएगा. तो इट्स बेसिकली द इंग्रेडिएंट्स द क्वालिटी जो आप देना चाहते हैं वही आप फिर उसकी फाइनल प्रोडक्ट उसमें से प्रोड्यूस कर पाएंगे. तो चाशनी पे भी अगेन बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में तो नहीं मैं जा सकता कि व्हाट वी यूज़ एंड जैसे भी है, बट वी यूज़ द बेस्ट और वी डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन इट. और टेस्ट पे जहाँ तक बात है तो वी हैव अ R&D डिपार्टमेंट जो कि मुसलसल रिसर्च के ऊपर काम, जिसमें हम इंटरनेट सबसे पहले हम लोकल्स को नहीं अपने लोकल कंपटीशन को नहीं देखते. ऑब्वियसली आपका थोड़ा सा तो हमारा जो R&D टीम है वो जब काम करती है तो इंटरनेशनली वो द वर्ल्ड जो है ना चीज़ों को अकाउंट फॉर करती है, वो देखती है कि हम अपने रिसोर्सेज में क्या दे सकते हैं. तो दिस इज़ अ ऑनगोइंग प्रोसेस और इसमें हम जो है ना इनोवेशन वी बिलीव इन इनोवेशन और उसमें हमारी नई प्रोडक्ट्स भी आती रहती हैं, सब कुछ आता रहता है और वो एक चीज़ का हमारा एक प्रॉपर एक तरीका कार है कि 5 स्टेजेस से गुजरने के बाद कस्टमर तक चीज है, उससे पहले नहीं जा सकते. गुड मीनान साहब, ये माशाल्लाह जितना बिजनेस है आपका, यंग ग्रुप के हवाले से बात करूँ या इसमें चाशनी भी आ जाते हैं, तो इसको अदर सिटीज तक भी ले जाने का आपका प्लान है? फिर अब हम इस्लामाबाद में भी हैं, हम मुल्तान में. ये सब ब्रांड्स हमारे? जी जी जी, हमारे जो है ना इस्लामाबाद में यम और इंग्लिश टी हाउस है, ठीक है, मुल्तान में यम इंग्लिश टी हाउस और चाशनी है, फैसलाबाद में चाशनी है और जो है ना हमारे लाहौर में तो हम तकरीबन हर मेजर एरिया में हैं और वी आर कंटिन्यूसली एक्सपेंडिंग और नेशन वाइड. और मज़े की बात यह है कि नॉट ओनली अदर सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान, अब वी आर वर्किंग कि हम अपने ब्रांड्स को दुनिया में लेकर जाएं. वाह, वी आर गोइंग इंटरनेशनल वेरी सून. एक्चुअल यही होना चाहिए, हमारी अप्रोच भी यही होनी चाहिए कि हम एक्सपोर्ट की तरफ इस चीज़ों को लेकर जाएं. वी आर गोइंग इंटरनेशनल वेरी सून. गुड, इंशाल्लाह इंशाल्लाह. जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि ख्वाबों से तबीर तक के सफ़र में इमरान मकसूद साहब हमारे साथ है. थोड़ा सा स्मार्ट ब्रेक लेंगे हम, आफ्टर मिलते हैं आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक. समहाउ जो हमारी फैशन इंडस्ट्री है वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी पहचान बनाती जा रही है. इवन हमारे पड़ोसी मुल्कों में भी जो हमारी फैशन सेंस है जो हमारे इस खत्ते में पाई जाती है, स्पेशली पाकिस्तान में. जी वेलकम बैक नाज़रीन. जी इमरान साहब, माशाल्लाह ये बड़ा अच्छा सफ़र रहा है पाकिस्तान जैसी कंट्री में. ये मुझे बताइए, ये तो सब अच्छी चीज़ें बताई आपने अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इस जैसे मुल्क में तरक्की करना कोई आसान चीज़ नहीं है, ख्वाबों की तबीर पाना कोई आसान चीज़ नहीं है. पहली बात तो ये है, तो इसमें बहुत सारी मुश्किलात भी आपके फेस करनी पड़ी होगी और कर भी रहे होंगे. और दूसरी बात ये, ख्वाबों की तबीर मिल गई कि नहीं अभी, कि अभी तक उस जस्तजू में आप हैं? अच्छा, दूसरी बात से पहले शुरू करते हैं, ख्वाबों की तबीर मिली कि नहीं. ख्वाब कभी रुकते नहीं और ना रुकने चाहिए. अगर आप ख्वाब देखने बंद कर देंगे तो जिंदगी रुक जाएगी, जिंदगी रुक जाएगी, आप बहुत पीछे रह जाएंगे. तो जो जो ख्वाब देखते रहे अल्हम्दुलिल्लाह उनकी ताबीर भी मिलती रही, लेकिन ख्वाब अब भी आ रहे हैं. हाँ, और ताबीर की जस्तजू अभी भी है. राइट, तो इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस और अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे ख्वाबों को ताबीर देता है इंशाल्लाह. इमरान साहब, आपने एक ख्वाब शायद और देखा था या उसकी तबीर तो होगी या वो डिक्लेयर ब्रांड की शेप में है, थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताइएगा कि फूड जिस इंडस्ट्री से तल्लक रखने वाला एक इंसान और फूड लवर भी, वो और फैशन इंडस्ट्री दोनों टोटल डिफरेंट है इंडस्ट्रीज, तो आप किस तरह से फैशन इंडस्ट्री में आ गए और ये डिक्लेयर ब्रांड किस तरह से बन गया माशाल्लाह, और थोड़ा सा इसका आगे क्या प्लान है थोड़ा सा बताइएगा. देखें, मैंने शायद पहले भी आपको बताया कि आई लव टू टेक रिस्क्स. तो आप कह रहे हैं कि हम इसमें कैसे आ गए, तो जब फूड बिजनेस में भी मैं आया तो मेरे तो किसी फोर फादर्स में भी फूड बिजनेस नहीं था. आई वॉज बॉर्न इन अ बिजनेस फैमिली
बट हमारा बिजनेस जो है ना वो ट्रेडिंग से रिलेटेड था, तो फूड बिजनेस में भी मैं आ गया और मैंने खुद से इसको ओरिजिनेट किया। इसी तरह अब फैशन में भी हम आ गए, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला से दुआ है कि वो इसी तरह हमें कामयाब करे। और फैशन में आने का मकसद ये था कि समहाउ जो हमारी फैशन इंडस्ट्री है वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी पहचान बनाती जा रही है। इवन हमारे पड़ोसी मुल्कों में भी जो हमारी फैशन सेंस है जो हमारे इस खत्ते में पाई जाती है, स्पेशली पाकिस्तान में, वो हमारे पड़ोसी मुल्कों में भी नहीं है, नहीं है। और इट्स अ रैपिडली ग्रोइंग इंडस्ट्री और पाकिस्तान बीइंग अ प्रोड्यूसर ऑफ फैब्रिक, वर्ल्ड क्लास फैब्रिक, हमारे पास मेरे ख्याल में बहुत स्पेस है कि हम दुनिया में आगे जा सकते हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ फैशन डिज़ाइनर्स, उनकी इंडस्ट्री डिफरेंट है और वो जिद्दत आती जा रही है, चीज़ें बदलती जा रही हैं। लाइक आप इटालियन डिज़ाइनर्स, फ्रेंच डिज़ाइनर्स को लें, वो एक अलहदा सब्जेक्ट है। लेकिन समहाउ जिस तरह की रेवोल्यूशन हमारी फैशन इंडस्ट्री पाकिस्तान में आई है, आई थिंक इसमें अभी बहुत कुछ हो सकता है, स्पेस है, बहुत ज़्यादा गैप है। वही गैप जो मुझे कभी फूड बिजनेस में नज़र आया था, मुझे इसमें भी नज़र आया, और इंशाल्लाह वी ट्राई टू फिल दैट गैप अगेन। हम फिर से एक पहचान बनाएंगे वेरी सून। डिक्लेयर इज़ अ बेबी ब्रांड नाउ, इट्स जस्ट न्यू बॉर्न बेबी, तो इसने तो अभी बहुत आगे जाए। कुदरत का कानून है ना, छोटे से बड़े होते हैं एकदम, आप बड़े से काम भी शुरू कर देते। तो हमने अभी इसकी दाग बेल डाल दी भी, और इंशाल्लाह जो डिक्लेयर को भी हम दुनिया में लेकर जाएंगे इंशाल्लाह। इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है इमरान साहब के, पाकिस्तान के टेक्सटाइल इंडस्ट्री माशाल्लाह बहुत ग्रोइंग इंडस्ट्री है और बल्कि इंटरनेशनली हमारी पहचान है। अगर हम इंडस्ट्री के हवाले से बतौर बात करें, इस पर बहुत सारी चीज़ें जैसे फैशन इंडस्ट्री इज़ डिफरेंट, टेक्सटाइल सेक्टर इज़ डिफरेंट, ठीक है। हमें अभी तक तो कोई बीट नहीं कर सका अगर हम अपने यानी कि सराउंडिंग में देखें, तो इस पर बहुत सारी चीज़ें की जा सकती है। और मेरी बेस्ट विशेज है माशाल्लाह, जिस तरह से आपका फूड का सेक्टर में आपने एक नाम बनाया है, इसी तरह फैशन इंडस्ट्री में भी आप इसमें आगे फॉर्मल वेयर में, ब्राइडल वेयर में और बहुत सारी लाइंस इसमें आएँ और इस लेगेसी को आगे आपके जो बच्चे हैं वो लेके चलें इंशाल्लाह। इमरान साहब, कोई मैसेज ऐसा जो आज आप हमारी 100 एपिसोड के हवाले से एशियन ट्रेड टीवी के व्यूज़ को दे सकते हो, तो ज़रूर, हमारा प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर खिदमत है। मैसेज, अच्छा, जो जैसे आपके प्रोग्राम का नाम है ख्वाबों से तबीर तक, तो मैसेज तो नहीं, एक सजेशन है आपके व्यूअर्स के लिए भी, स्पेशली यूथ के लिए, कि ख्वाब देखें और जरूर देखें, जागती आंखों से देखें, मेहनत करें, मेहनत, हिम्मत और मोहब्बत, तो फिर आपको कोई बीट नहीं कर पाएगा। ख्वाब देखें, ज़रूर देखें, और ताबीर पाने के लिए अपना सब कुछ लगा दें, ताबीर मिल जाए। वाह, क्योंकि ख्वाब होती सच होने के लिए। अगर ख्वाब नहीं देखेंगे तो आप वहीं पर रह जाएंगे जहां पर आप हैं, आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे, आपको ख्वाब देखने पड़ेंगे। जी नाज़रीन, इसमें बाकी कोई यानी कि दूसरी राय नहीं है कि ख्वाब ज़िंदगी से अगर निकल जाए तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, और जो कौमें ख्वाब देखती हैं वही उसकी तबीयत पाती है। और आज इमरान मकसूद साहब जिस मुकाम के ऊपर है, ये वही ख्वाब है जो उन्होंने देखा था 2010 में। आज अल्लाह का शुक्र एक बहुत बड़े ग्रुप के चेयरमैन हैं, और ये सफ़र रुकने वाला नहीं है, क्योंकि वो जिस तरह से बता रहे हैं कि हर रोज़ एक नया ख्वाब और नई सोच और नई तबीयत के मकसद में लिए वो कार्य फरमा है। तो नाज़रीन के साथ मैं शुक्रिया अदा करूंगा इमरान मकसूद साहब का। सर, आज आप हमारे स्पेशल गेस्ट थे मॉडर्न स्टील ग्रुप ऑफ कंपनीज के, जिन्होंने आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट भेजा है, जो हमारे हर गेस्ट को याद दिलाता है कि आप हमारे सफ़र में हमारे गेस्ट थे। जी इमरान साहब, ये आपके लिए स्पेशल गिफ्ट है मॉडर्न स्टील ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के लिए, पाकिस्तान लार्जेस्ट ब्रांड है, और ये आपको हमेशा याद दिलाएगा कि आज आप हमारे गेस्ट थे। थैंक यू वेरी मच शाहिद साहब, एंड आई एम ऑनर्ड टू हैव यू। मैं अपनी गुड़िया रानी के सर में तेल डाल दूं? सारी दुनिया के पेरेंट्स अपने बच्चों की हेल्प करते हैं कि वो बाहर जाके सेटल हो सकें, और हमारे यहाँ मोहब्बत का मतलब है सर में तेल डाल दो। चल
अब्बा के पास इतने पैसे? अब्बा आपने घर क्यों बेच दिए? जहां रिश्ते कमजोर हो जाएं, वहां घर टूट जाते हैं। ऐसे टूटे हुए घर का मुझे क्या करना है? आप जरा रिश्तों को मजबूत कीजिए। घर की दीवारों और छतों को तो हम मजबूत बना ही देंगे। मॉडल स्टील, आओ एक मजबूत घर बनाते हैं।